हेलो एवरी वन वेलकम टू आर्ट एजुकेशन और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में दट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स एनजाइम्स सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी हियर वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एनजाइम्स एंड हाउ दे आर कटिंग हाउ दे आर गोइंग टू कट द डीएनए as well as the, how they are going to produce the different types of the ends like the blunt ends as well as the sticky ends and at last we are going to disturb we are going to see that how they are going to disturb the bond that is phosphodiester bonds and then we will go for the that is applications as well as the what are the types of the enzymes so let's guess the, let's guess start the video so restriction enzymes you know that रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया दट क्लीव स्ट यानी एट द स्पेसिफिक साइट्स अलॉन्ग द मॉलिक्यूल सो आपको पता ही होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें बैक्टीरिया से मीन्स जो इनका जो मेन सोर्स होता है वो कहाँ से आइसोलेट करते हैं हम बैक्टीरिया से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियाज के स्ट्रेन है जिससे हम इनको क्या करते हैं आइसोलेट करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं और आपको पता है एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं जनरली एक्सेप्शन सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी प्रोटीन हैं जो कि बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करते हैं और किसको क्लिप करते हैं डी एन की स्पेसिफिक साइड्स को क्लिप करती है दैट इज कॉल्ड एज द रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स देखो यहाँ पे दो टर्म्स है एक तो है रिस्ट्रिक्शन और दूसरा टर्म है एंडो न्यूक्लियस ठीक है तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है रिस्ट्रिक्ट करना मीनस किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना उसी में ही डटे रहना मींस उसके अलावा कोई भी चीज ना करना अब ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंडो का मतलब क्या है विद इन द एंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है न्यूक्लिक एसिड्स को कट करने के लिए या फिर न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला ठीक है तो ये क्या करते हैं रिस्ट्रिक्ट टू द इन द एंडोन्यूक्लियस मींस कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडो निकलिस इंजाम क्या करते हैं अगर सपोज़ यहाँ पे डी एन ए लिया मैंने सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिया ये सपोज़ क्या है डी एन ए और यहाँ पे ये फाइव प्राइम है ये थ्री प्राइम है और ये थ्री प्राइम है फाइव प्राइम तो ये क्या करते हैं विद इन द रिकनेशन साइट्स कट करते हैं ठीक है तो दैट्स वॉई मीन्स और इसके लिए ये क्या है रिस्ट्रिक्ट है ये कहीं भी ऐसे इधर उधर मीन्स अगर इनकी रिकोगनीसन साइट्स है जहाँ पे सिक्वेंस है ऑलमोस्ट वहीं पर क्लिक करते हैं और अगर

तो इसके लिए हम देखने वाले हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आखिर ऐसे ऐसी क्या चीज़ें होती है कि बैक्टीरिया का जो डी है वो कट नहीं करते हैं लेकिन कोई भी अगर फ़ॉरन आता है जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जनरली इन्फेक्ट कौन करता है बैक्टीरियो फेज़ इन्फेक्ट करता है तो जो बैक्टीरियो फेज इन्फेक्ट करता है तो उस पर वहाँ पर क्या रोल है मीन्स एंडोन्यूक्लियस का वहाँ पर क्या रोल है तो ये इसके एंजाइम्स होते हैं जो है एंडोन्यूक्लियस वो क्या कर देते हैं बैक्टीरियो फेज के जीनोम को कट कर देते हैं इसके लिए आपने मॉडर्न टेक्निक अगर पढ़ी हो कि इस पर कैशलाइन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डाल रखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और यहाँ पे यही सेम होता है मीन सेम प्रोसेस होती है कि जीनोम क्या करता है जो भी बैक्टीरियल फेज होता है वो अपना जीनोम क्या करता है इंसर्ट करता है बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया उसकी एक कॉपी बना के रख लेता है और जाके फिर जो, जो कैश साइन होता है क्योंकि वो कैश साइन क्या है एंड है तो वो क्या कर देता है उसको कट कर देता है और यहाँ पर कट करने में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है वी आर गोइंग टू सी इन द Upcoming slides. Okay, restriction enzymes also called as the restriction endonuclease. So this point you can see restriction enzymes also called as the restriction endonuclease protein produced by the bacteria that cleaves the DNA at the specific sites along the molecule. Okay. Basically, this line as well as this line is the same. You can see the. Moving to the next slides. वाट आर द डिफरेंट बायोलॉजिकल रोल्स तो बायोलॉजिकल रूल्स देखो यही है कि अगर कोई भी कोई भी मीन्स फॉरन पार्टिकल आता है सपोज़ बैक्टेरियो फेज है बैक्टीरियल फेज क्या है बेसिकली एक ऐसा वायरस है जो कि क्या करता है बैक्टीरिया को फीड करता है या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियो फेज़ का स्ट्रक्चर आप सबको ही पता होगा आई थिंक यहाँ पे टेल होता है पिन फाइबर्स होते हैं एंड यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होता है और ये जो होता है बाहर वाली क्या होती है कैप्सिड प्रोटीन होती है ठीक है तो जब बैक्टीरियो फेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पे अपना जीनोम यहाँ के थ्रू क्या करता है इंसर्ट करता है और बैक्टीरियो फेस इन्फेक्ट करता है ऐसे करके ठीक है तो यहाँ से क्या करता है जब इसके पास बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है तो ये इस जीनोम को क्या कर देते हैं टुकड़े टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं मीन्स उसके फ्रेगमेंट जनरेट कर देते हैं तो जो वायरस है वो अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते बैक्टीरिया के अंदर तो क्या हो जाता है मीन्स अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया फेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है ठीक है स्ट्रिक्शन एंडजाइम्स प्रिवेंट द रिप्लीकेशन ऑफ द फेस बायिंग द डी एन एट द स्पेसिफिक साइड सिंपल सी बात है क्लीव करेगा और उसके थ्रू ही क्या होता है प्रिवेंट करता है क्या द होस्ट डी एन एज प्रोटेक्टेड बाई द मिथाइलेज अब बात आती है कि अगर ऐसी बात है मीन्स जो बैक्टीरिया के जो रिस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम है वो अगर कट कर रहे हैं किसको दूसरे बैक्टीरियल फेज जैसे आता है दूसरे फॉरन पार्टिकल के एंजाइम को अगर कट कर रहे हैं डीएनए को तो कहने का मतलब बैक्टीरिया का जो डीएनए एन होता तो है वो कैसे रहता है फिर वो उसको भी कट कर सकते हैं ना बट ऐसा नहीं होता है बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसके डी में क्या होता है एक मिथाइलेशन प्रोसेस होता है मिथाइलेशन के सारे न्यूक्लियोटाइट्स पर होता है क्या नहीं सारे न्यूक्लियोटाइट्स पर नहीं तो जनरली एडमिन पर होता है इसके अलावा साइट्रोजन पर होता है ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है एडिनियन और साइट्रोजन यू कैन सी यहाँ पे लिखा भी है मैंने तो मीन्स जनरली कहाँ पे होता है एडिनिन और साइट्रोसाइन पे होता है साइटोसिन पे होता है तो यहाँ पे मिथाइलेशन करके रखते हैं बैक्टीरिया अपोजट डी एन और यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस है तो यहाँ पे क्या होता है मिथाइलेशन ऐड होकर रखता है तो दैट्स वाई जो मीन्स जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये इसको रिकोगनाइज़ नहीं कर पाते और बैक्टीरिया का जो डी एन ए होता है वो कैसे रहता है प्रोटेक्ट रहता है ठीक है सो मूविंग टू द नेक्स्ट लाइट्स एंड एंजाइम्स और मोलिकुलर सीजर्स अब देखो सीजर्स तो हम बोल सकते हैं क्योंकि कट कर रहे हैं लेकिन हम इसको मॉलिकुलर सीजर्स क्यों करते हैं क्योंकि हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करते हैं कट करते हैं दैट्स वाई और डीएनए मॉलिक्यूल आपको पता है ऑब्वियसली मोलिकुलर बायोलॉजी है पूरी डी एन ए आर एन ए प्रोटीन तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वी आर कॉलिंग इट इज द मोलिकुलर सीजस ठीक है बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मींस क्या क्या अगर ये एक्शन करते हैं ये कट करते हैं तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है कौन से बॉन्ड को डिस्टर्ब करते हैं स्टेक्सन एंडोन्यूक्लियस स्कैंस द लेंथ ऑफ द डीएनए एन एम स्टेक्सन एंडोन्यूक्लियस सॉरी स्टेक्सन एंडोन्यूक्लियस कैन स्कैन

कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडर एंजाइम जो होते हैं वो बॉन्ड डी वो डीएनए को कट करते हैं कहीं से भी रिकग्निशन साइट पे कट करते हैं तो कौन से बॉन्ड को डिस्टर्ब करते हैं तो आपको याद दैट इज़ बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ते हैं हम लोग ठीक है थ्री प्राइम ओ ऑक्सीजन एटम एज प्लेस द फॉस्फोरस एटम इज ब्रोकन ठीक तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट हाइड्रोलिस बाय द न्यूक्लोफिल अटैक एट द फॉस्फोरस एटम यू कैन सी दिस इज दूक्लियोटाइड ठीक और ये यहाँ पे क्या है ये बेसिस एड हुए न्यूट्रोजन नाइट्रोजन बेसिस है दिस इज द फास्ट बॉन्ड बेसिकली यू कैन सी दिस इज द फास्ट बॉन्ड देखो यहाँ पे जो फास्ट बॉन्ड है यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे जैसे हमने इसको हाइड्रोजन मीन्स वाटर दिया है सोल्यूशन की प्रेजेंस में वाटर सोल्यूशन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया यहाँ पे जो भी एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है यहाँ पे कट करने के बाद ये कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो गया मीन्स दोनों ही ये जो बेसिस हैं दोनों ही न्यूक्लोटाइड हैं तो ये क्या हो गए अलग सेपरेट सेपरेट फॉर्म में हो गए हैं और ये फॉस्पोटाइस बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसने इनको बैलेंस कर दिया है सो तो थ्री प्राइम ओएज फाइव प्राइम फॉस्पेट थ्री प्राइम ओएज फाइव प्राइम फॉस्पेट इज़ प्रोड्यूस ठीक है

और अगर वहाँ पे खास बात है तभी वो पहचानेंगे उसके बाद ही वो वहाँ पे क्या करेंगे कट करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज़ पैलिडोमिक सीक्वेंस देखो बच जब हम बचपन में मींस जब छोटे क्लासेज में होते थे तो वहाँ पर क्या होता है पैलिम सिक्वेंस ये टर्म तो हमें नहीं मालूम होती थी लेकिन इसका मतलब जो है हम पहले से जानते हैं कैसे आपने देखा होगा एक जो टर्म है मलयालम इसके अलावा अगर छोटे में अगर आपने देखा होगा एक मीन्स एक डिब्बा आता था डालडा देसी घी ओ, से डालता घी का ठीक है तो आपको चाहे इस साइड से पढ़ो चाहे आप इस साइड से पढ़ो दोनों साइड से कैसा होगा सेम होगा इसके अलावा और भी बहुत से टर्म्स हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या होता था कि सेम है तो सेम यहाँ पे भी है मींस जैसे कोई भी सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो चाहे आप फाइव प्राइम एंड से पढ़ो या फिर Means, कैसा होगा दोनों का सिक्वेंस जो होते है, वो से एक एंडिक मतलब कोई सीक्वेंस है उसका मिरर इमेज कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे भी ऐसा ही है अगर मिरर इमेज सेम है तो उसको क्या बोलते हैं पेलेंड्रोमिक सिक्वेंस बोलते हैं ठीक तो मिरर लाइक पैलेंड्रोम इन विच सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और सिंगल एंड अब आप यहाँ पे अगर मिरर रखो इसमें तो क्या होगा जी टी इमेजेस होगा किसका होगा आपको सिर्फ यहाँ पे ये रिमेंबर करके रखना है कि जो होता है उसकी मिरर इमेजेस कैसी होती है सेम होती है इसके अलावा याद रखना है यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होती है सिमेट्री प्रेजेंट होना और ये सिमेट्री को देखकर ही क्या होते हैं जो एंडलेस एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं पहचानते हैं इसको ठीक सो so, अब बात आती है कि जब ये इनको मींस जब ये पैलेंटॉमिक सिक्वेंसेस को पहचानते हैं तो कैसे किस टाइप के एंड प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे मेनली दो टाइप थाँग के एंड प्रोड्यूस होते हैं एक तो होता है ब्लंट एंड और दूसरा होता है स्टिक एंड देखो तो जो ब्लंट एंड होता है वो क्या होता है ब्लंट एंड का मतलब क्या होता है देखो सिंपल टर्म में याद रखो ब्लंट एंड का मतलब क्या है बराबर बराबर कट करना अगर किसी भी सपोज डी है और डी पे अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये डी ही दे रखा है ये ठीक है ये डी एन ए ही है तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर हमने यहाँ पे इको आर वन एंजाइम मीन्स एस सॉरी इको आर वन दस तो टिक इंट्रोड्यूस करता है बट कोई ऐसा एंजाइम दैट इज जस्ट लाइक एस एम ए फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एक एंजाइम है तो वहाँ तो पे सपोज अगर तुमने यहाँ पे रखा यहाँ पे आपने रखा तो अगर सेम टाइप के दोनों प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ब्लंट एंड ब्लंट देखो अगर मीन्स जनरल टर्म में याद रखना है तो ब्लंट एंड का मतलब क्या है बराबर बराबर एंड अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो दोनों स्टैंड पे सेम लोकेशन पे कट करें उसको क्या बोलेंगे ब्लंट एंड अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों एंड पे चाहे वो फाइव प्राइम टू प्राइम हो या वो थ्री टू फाइव प्राइम हो दोनों एंड पे सेम लोकेशन पे कट करे तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा ठीक सो यू हैव टू बराबर बराबर ब्लंट एंड ओके क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं सो so, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कर द डीएनए अपोजिट प्लेस देव द ब्लैंड अपोजिट मतलब समझ रहे हो आप यहाँ पे कट करें और साथ साथ यहाँ पे मीन्स एक दूसरे के सामने कट करें सेम लोकेशन पे कट करें उसको वो उससे जो एंड प्रोड्यूस होंगे उसको बोलेंगे ब्लैंड एंड दिस ब्लैंड एंड फ्रेगमेंट्स कैन बी ज्वाइन टू एनी अदर डी एन ए फ्रेगमेंट विद द ब्लैंड अब ये जो ब्लैंड एंड है मीन्स ये कैसे कैसे ज्वाइन होंगे तो जब तुम किसी दूसरे ब्लैंड एंड के साथ करोगे तभी तो, तो ज्वाइन होंगे अगर तुम किसी

सॉरी दो स्टैंड हैं दोनों स्टैंड पे डिफरेंट डिफरेंट डिफरें पोजीशन पे, अगर स्ट्रिक्सन एंजाइम कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम उससे जो एंड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टिकी एंड्स यहाँ पे आप इको आवन का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर यू कैन सी होता है क्या बेसिकली सपोज़ ये हमारे पास देखो आप यहाँ पे हमारे पास डी एन ए लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एक एंजाइम रखा तो यह कुछ ये यह सीक्वेंस यहाँ पे भी कुछ सिक्वेंसेज होंगे और यहाँ पे भी कुछ सिक्वेंसेज होंगे लेकिन एक सिक्वेंस एक एंजाइम मतलब एक स्टैंड को यहाँ पे कट कर रहा है और दूसरे स्टैंड को यहाँ पे कट कर रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे एंड प्रोड्यूस हुए हैं दीज आर कॉल्ड एज द स्टिकियंस एंड वाई वी आर कॉलिंग इट इज स्टिकी एंड स्टिकी का मतलब क्या है स्टिक होना स्टिक मतलब फिर से चिपक जाना अब चिपक जाने का मतलब क्या है कि फिर से इनमें क्वालिटी होती है किस टाइप की ज्वाइन होने की इनमें क्वालिटी क्यों होगी ज्वाइन होने की जस्ट थिंक अबाउट दैट क्योंकि क्वालिटी इसलिए होती ज्वाइन होने की क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो बेसिस हैं वो कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं तो जैसे ही इनको चांस मिलेगा फिर से क्या हो जाएंगे फिर से एनिल हो जाएंगे ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं डी एन एम और उसी की वैसे स्टेबिलिटी होती है आपको पता है तो जब जैसे इनको मीन मौका मिलेगा तो ये क्या कर देंगे चौका मार से ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ well okay. so, पे देखो दो एंजाइम्स है is, as well as तो जो इको आर वन है वो कैसे एंजाइम्स ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम्स है स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स है और जो ये ऐसे में हूँ यहाँ पे देख सकते सकती हूँ ब्लैंड मीनस इक्वली एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं ब्लैंड और यहाँ भी देख रहे हो ये ये एंड्स क्या है बराबर नहीं है ठीक है तो इसको बोलते हैं हम स्टिकी एंड्स ओके मूविंग टू द द द नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अब बात आती है कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है और किस किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है तो देखो यहाँ पे जो बेसिस है तो मींस डिफरेंट किस किस बेस पे डिवाइड कर रखा है तो इसके लिए कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम है वैसे तो हमने मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है बट एक और भी है दैट इज़ टाइप सेकेंड एस जो कि उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ठीक है मेनली आपको थ्री टाइप्स के पता होना चाहिए फिर बात आती है कि को फैक्टर के रिक्वायरमेंट पे मीन्स कौन सा को फैक्टर लगता है यहाँ पे एम जी प्लस टू लगता है या फिर ए टी पी लगता है कि नहीं लगता है या फिर सल्फर एडनो Adeno, एक एडोमैट है वो लगता है कि नहीं लगता है तो वो कंपोनेंट के बेसिस पे कि कौन सा को फैक्टर रिक्वायरमेंट है इसके बेस पे भी हमने डिवाइड कर रखा है नेचर ऑफ दिए टारगेट सिक्वेंस ऑब्वियसली टारगेट सिक्वेंस मेन है किस पेस कौन सा टारगेट सिक्वेंस है जी सी रिच है ए टी रीज है इसके अलावा पोजिशन ऑफ दियनी डी एन ए क्लीवेज रिलेटेड टू द टारगेट सिक्वेंस बात आती है क्लीवेज साइट की मीन्स अगर हम क्या हो? ऐसा भी हो सकता है कि कहीं रिकगनाइज़ करें और फिर रिकोगनीसन सिक्वेंस है कहीं फिफ्टीन बेस पर कहीं और कट कर रहे हैं कहीं और रिकगनाइज और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जैसे जहाँ पर रिकोगनाइज करते हैं वहीं पर क्या करते कट करते हैं मीन्स रिकोगगनेशन साइड्स और क्लीवेज साइट्स क्या होती है सेम होती है तब तो ठीक है बट कुछ कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि रिकगनाइज कहीं और करते हैं और उससे कुछ दूरी पे वन थाउजेंड बेस पेयर या कह सकते हैं कि नाइन हंड्रेड बेस पेयर कहीं दूर कट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक बट वो हमें देखना पड़ता है जिनोम में ठीक है उसी अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे ऐड करना पड़ता है तो बेसिकली द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कैटेगराइज इनटू थ्री जनरल ग्रुप्स टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप थर्ड एज वेल एज द वन मोर दैट इज टाइप सेकेंड एस ठीक सो टाइप फर्स्ट की क्या 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 क्वालिटीज़ हैं टाइप सेकंड की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वी आर गोइंग टू सी इन द डिटेल हियर तो टाइप फर्स्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कैपेबल ऑफ बोथ रिस्ट्रिक्शन एज वेल एज द मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़ देखो यहाँ पे याद रखना है कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिसमें क्या है सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मींस क्लीवेज की कैपेसिटी है और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जहाँ पे मींस क्लीवेज एज एज वेल द मॉडिफिकेशन दोनों एक्टिविटीज करते हैं तो अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ होती है एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की और दूसरी मॉडिफिकेशनस की अब बात आती है मॉडिफिकेशन की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत कहाँ है तो मॉडिफिकेशन का मतलब वही है मिथाइलेशन मीन्स मिथाइलेशन यूनिट होगी और वो मिथाइलेस मिथाइलेस के एंजाइम जो डी एन ए एंजाइम्स होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं ऐड करते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कौन कौन सी यूनिट प्रेजेंट है ठीक है और आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है एग्जांपल्स

मोडिफिकेशन एज एज द रिस्ट्रिकशन एंडलियटिविटी शो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट को फैक्टर्स की जरूरत होती है दैट इज द एम जी प्लस टू एडोमेट एज एज द ए टी पी यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड एज द मल्टी सब यूनिट एंड जैन कॉम्प्लेक्स ओके यहाँ पे क्या होती है मल्टी सब यूनिट प्रजेंट होती है एंड यू कैन सी दैट इज द टू यूनिट टू रिस्ट्रिक्शनिट होती है इसके अलावा टू एम दैट इज मिथालेशन सब यूनिट

और यहाँ पे क्या है इसकी लेकिन ये देखो ये फाइ जहाँ पे भी मतलब इसका जो क्लीवेज साइट है वो क्या मैं बताने जा रही हूँ देखो जहाँ पे भी टी सी ए लोकेटेड है लोकेटे, सपोज यहाँ पे टी सी ए लोकेटेड है तो ये कितना होगा फाइव प्राइम एंड से कितना होगा अप्रॉक्स वन थाउजेंड बेस पेयर ठीक जहाँ पे टी सी ए लोकेटेड है, लोकेटे है वहाँ पे फिफ्टीन बेस पेयर की कोई सिक्वेंस होगी उसको कट करते हैं मीन्स क्लीवेज साइट क्या है तो पहली बात हमें ढूंढना है कि फाइव प्राइम एंड से कहाँ पे टी सी लोकेटेड है ठीक फिर दूसरी चीज हमें ढूंढना है कि ये जहाँ पे टी सी एन थाउजेंड बेस पेयर जो 15 बेस पेयर का अब वहाँ पेट होती है और इसके जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं दैट इज इको के एज एज वेल द इको बी इको क्या है दैट इज के और बी क्या है यहाँ पे स्ट्रेंस के नाम है ठीक है तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है क्लीब डी एन ए रैंडम लेंथ फ्रॉम द साइट्स देखो रैंडम लेंथ क्यों बोल रहे हैं क्योंकि टीसीए लोकेटर कहीं भी मिल सकता है पूरे जीनोम में ऐसा कुछ नहीं है दैट्स व्हाई इट इज नॉट दैट मच स्पेसिफिक एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग और वी कैन से जीन क्लोनिंग ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज मोस्ट 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 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टाइप सेकंड एंजाइम these are more stable as well as the we are going to we are going to use in the gene cloning means in hi yahi wo enzyme hai jinka hum use gene cloning as well as the genetic engineering vector cutting as well as the means everything ke liye yahi use karte bahut hi special enzymes hai ye theek hai type second restriction endonuclease are remarkably stable and induce the cleavage either in most cases within or immediately outside the recognition sequence विच ए सीमेंट्रिकल मोर देन थ्री फिफ्टी डिफरेंट टाइप्स एक्ट न्यूक्स देखो ये जो एंजाइम्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ख़ास बात इनकी ये है कि ये जहाँ पेगनाइज करते हैं वहीं पे ही कट करते हैं मीन्स ऐसा कुछ नहीं कि किससे दूर किससे पास जहाँ पे रिकगनाइज करेंगे फोर टू एट न्यूक्ट न्यूक्टाइट बेसिस के यहाँ पे रिकगनाइज करते हैं और ये वहीं पे क्या करते हैं कट करते हैं ठीक है और जो ऐसे एंजाइम्स हैं मीन्स हंड्रेड डिफरेंट सिक्वेंसेस के लिए हैं अभी तक और यहाँ पे मोर देन थ्री फिफ्टी डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स यहाँ पे डिस्कवर्ड हो चुके हैं जो फर्स्ट टाइप एंजाइम है फर्स्ट टाइप सेकेंड टू बी आइसोलेटेड इज सेकेंड इन दाइनटीन सेवेंटी ये भी आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट टाइप सेकेंड का फर्स्ट एंजाइम है वो कौन सा है दैट इज हिंद सेकेंड हिंद का मतलब क्या है यहाँ पे हिमोफ्लिस इंफ्लुंजा मीन्स बैक्टीरिया है जिससे आइसोलेट किया गया था ठीक है

और ये जो लेंथ होती है की ये होती है 4 8 है टू इन द लेंथ ठीक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे कि यहाँ पे ए टी पी का यूज नहीं होता है सोचो so, जब हम इतना ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा को यूज करते हैं अगर ए टी पी यूज नहीं होता है तो वहाँ पे हमें ए टी पी करने की जरूरत नहीं है एंड वन मोर यू ओके So moving to the next slides and we are going to move that is the type third enzymes. Type third restriction endonucleases are the intermediate between the type first as well as the type second. They cleave the DNA in the immediate vicinity of their recognition sites. देखो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जहाँ पे रिक्नाइज़ करते हैं ना जहाँ पे रिक्नाइज़ सीक्वेंस होता है यहाँ पे उसी के आसपास कहीं कट करते हैं. Immediately vicinity का मतलब होता है आसपास. ठीक इमिडिएटली बिजनेटी का मतलब क्या होता है जहाँ पे इनकी रिकोगशन सिक्वेंस है उसके आस पास ही कट करते मीन्स उतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जितने ज्यादा कौन से थे टाइप सेकंड यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखना ठीक है टाइप फर्स्ट एंड सेकेंड सॉरी टाइप फर्स्ट एंड थर्ड डिस्ट्रिक्शन एंड नॉट यूज इन द जिन क्लोनिंग पता ही आपको टाइप फर्स्ट और थर्ड यूज नहीं करते ओनली सेकेंड्स आर यूज इन द जिन क्लोनिंग टाइप थर्ड एंडगनाइज द टारगेट टाइट्स और ये जो होते हैं एससीमेट्रिक टारगेट साइट्स को रिकोगनाइज करते हैं इसके अलावा द कट यानी अबाउट द ट्वेंटी टू थर्टी बेस पेयर्स और यहाँ पर जो कटिंग साइट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली होती है कितनी ट्वेंटी टू थर्टी बेस पेयर्स ओके एंड रिक्वायर एडोमेट और यहाँ पे डीजन जैम कंटेन मोर देन वन सब यूनिट यहाँ पे मीन्स यहाँ पे सब यूनिट्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं रिक्वायर एडोमेट ए और यहाँ पे क्या निकालना सल्फर एडोमेट जो होती है वो भी रिक्वायरमेंट होती है कोफैक्टर का काम करती है एज वेल एज द ए डी पी कोफैक्टर आपको पता होगा क्या काम करते हैं कोफैक्टर जो होते हैं क्या करते हैं मीन्स रिएक्शन को कर्टिलाइज करने के काम आते हैं जो कि इन्हेंस करते हैं किसी रिएक्शन्स को ठीक है नाउ वी अकॉर्ग टू मूव दट इज टाइप फोर्थ दैट इज कॉल टाइप सेकेंड एस एनजाइम जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लीव ओनली नॉर्मल एंड मॉडिफाइड डी एन ए मिथालेटेड एंड हाइड्रोक्सी मिथालेटेड एज वेल एज द ग्लूकोजिल हाइड्रोक्सी मिथालेटेड बेस रिकोगग्नेशन सिक्वेंसेज हैव नॉट बीन वेल डिफाइंड यहाँ पर कोई रिकगनेशन सिक्वेंसेज भी डिफाइंड नहीं है क्लीवेज टेक्स प्लेस थर्टी बेस्ट पेयर अबे फ्रॉम द वन ऑफ द साइड्स ठीक है देखो यहाँ पे जो लिस्ट है ये रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की लिस्ट है आपको दी गई है एंड यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स हैं कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया सोर्स और वी कैन से दिस इज द एंजाइम कैटेगरी एंड दिस इज द सोर्स जहाँ से बैक्टीरिया को क्या किया गया है आइसोलेट किया गया है बेसिकली सोर्स सपोज इको आर वन दिस इज़ द इको आर वन बैक्टीरिया है और इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया है तो इको आर वन आर वाई थर्टीन दिस इज द स्ट्रेन ओके एंड ये जो एंजाइम है कौन से सिक्वेंस को रिकोगनाइज करता है कौन सी क्लीवेस साइड क्या है इसकी तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज जी ए टी टी सी और ये किस किस बीच में कट करता है तो कट लगाता है जी और ए के बीच में ठीक है किस टाइप का एंड प्रोड्यूस करता है तो ये इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस दैट इज स्टिकी एंड ओके ऐसे ही सारे एंजाइम्स दिए हुए हैं दैट इज थर्ड किससे आइसोलेट किया गया हिमोफ्लोज इन्फ्लुंजा आर्टिव बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है

you have to remember basically it is important very important word that is star activity स्टार एक्टिविटी जो होती है वो मेनली किस टाइप के एंजाइम में होती है जो टाइप second एंजाइम्स होते हैं उन्हीं में देखने को मिलती है और यहाँ पे खास बात क्या है देखो वैसे तो एंजाइम अपनी धुन के काम करते हैं अपनी धुन के मतलब समझ रहे हो मतलब जो उन्हें करना है वही करते हैं अगर हम उनको उनको डिस्टर्ब ना करें उनकी प्रॉपर कंडीशन एज इट इज़ रखें तो मीन्स जहाँ पे उनको जहाँ पे उनकी रिकगनीसन साइट है रिकगनीसन साइट है वहाँ पर रिकगनाइज़ करेंगे और जहाँ पे उनकी क्लीवेज साइट है वहाँ पे कट करेंगे लेकिन अगर हमने सॉल्यूशन क्योंकि चूंकि ये सारा का सारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है या, कि या फिर हम कह सकते हैं पी सी सॉरी जीन क्लोनिंग का काम है ये एक सेंट्रिफ स्टेप के अंदर चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो वहाँ पर अगर आपने क्या किया इसकी कंडीशन को डिस्टर्ब कर दिया या फिर आप कोई बैक्टीरिया का काम कर रहे हो और उसकी कंडीशन को डिस्टर्ब कर दिया तो ये जो एंजाइम्स हैं वो अपना नेचर कभी कभी चेंज कर देते हैं अब ये चेंज कैसे करते हैं देखो सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया या फिर पीएच की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कम हो गई तो वहाँ पे क्या करती है ये एंजाइम अपना सीक्वेंस भूल जाते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या था और अब जब ये सीक्वेंस अपना भूल जाते हैं तो कुछ उसी के सिमिलर सिक्वेंस को कट कर देते हैं

जो इनकी सीक्वेंस जो होती है वो कैसी होती है रिकग्निशन सीक्वेंस जो पहले वाली थी उससे सिमिलर तो होती है लेकिन वैसी एग्जैक्ट नहीं होती है एंड दैट प्रोसेस एंड दैट एक्टिविटी इज डन बाय द टाइप सेकंड एंजाइम्स दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टार एक्टिविटी ओके दिस अल्टर्ड और रिलैक्स स्पेसिफिसिटी हैज बीन डन एज द एक्टिविटी It has been suggested that the star activity may be a general property of the restriction endonuclease that the, any restriction endonuclease can be made to cleave non-canonical sites under certain extreme conditions. Okay, so here you can see what the manner in which an enzyme specifically is altered depends on the enzyme and on the conditions employed to induce the star activity means हम इंड्यूस कराते हैं इंड्यूस करने का मतलब समझ रहे हो अगर उसकी कंडीशंस को आपने डिस्टर्ब कर दिया जो जो उसको चाहिए एंजाइम्स को करने करने के लिए, cleave करने के लिए क्लीव को तो वहाँ पे अगर उसको कंडीशंस नहीं मिलती हैं कुछ डिफरेंट कंडीशंस मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो क्या हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है जैसे देखो यहाँ पे इको आर्बन एंजाइम है सो so,

रिस्ट्रिक्सन एंजाइम्स अगर फ्रेगमेंट जनरेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वहीं ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर हमें फ्रेगमेंट्स बनाने हैं जैसे कि जीन क्लोनिंग वो तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए इसके अलावा प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड आर एफ एल पी जनरेशन मार्कर दैट इज़ आर एफ एल पी जनरेट करते हैं हम मार्कर है रिस्ट्रिक्सन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज जो कि डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग में भी समटाइम्स हम यूज़ करते हैं इसके अलावा जेलैक्टो फॉरेस्ट जहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स को देखते हैं बैंड्स को बैंड्स को सेपरेट करके देखते हैं सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन और वी कैन से यूज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड आई थिंक आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू सो प्लीज़ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन गेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू